बहुत ज़्यादा खुशी होता है अगर मैं ऐसे घूमने के लिए जाऊँ ना बाहर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अगर वो क्लब के अंदर रहना चाहते हैं तो बियर पीना पड़ेगा, हम लोग कोई बियर नहीं पीते हैं इसलिए हम लोग आ गए। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी मेरी छुट्टी हो गई है, अभी मैं घर फटाफट जा रही हूँ। कह रहा मैं पैकिंग करने पर ऐसे कपड़े निकाल के बाहर ही रखा है, बैग में अभी तक मैंने डाला नहीं। अभी मैं घर जाके बैग में डालूँगी, उसके बाद शावर करूँगी। उससे पहले तो मैं 7-Eleven में जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने याखू मंगवाई है। मम्मी तो घर पहुँच चुकी है, मम्मी तो रेडी हो रही है। जब मुझे लेट होता है ना तभी ये गई, हमेशा बंद होती है। वो आ गई, थैंक गॉड। ये रहा मम्मी के लिए, याकू भी ले लिया है और लिफ्ट भी ऊपर गया हुआ है। चलती आ जाओ नीचे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी हो गई है। अभी भगवान की जो पानी है ना वो चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। मिनका सोनिया सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। और ये रहा पैकिंग हो गई है, और ये है भाई की है, और ये मेरी बैग पैक है। ये मेरी बैग पैक है, इसको ऐसे भेजने वाली हूँ मैं कैसे लग रही हूँ गाइस? गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? हतिया। यस, हम लोग मिलते हैं हतिया पे। फैमिली ट्रिप। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे, स्काई ट्रेन से हम लोग जाएंगे एकमाई, और एकमाई पे हम लोग बस लेंगे और बस से जाएंगे। अभी तो हम लोग जा रहे हैं स्काई ट्रेन पकड़ने के लिए। ये मम्मी का पहली बार है मम्मी स्काई ट्रेन में बैठने वाली है, क्योंकि मम्मी ने कभी स्काई ट्रेन में अभी तक बैठी नहीं है। मम्मी सिर्फ ऐसे रोड ऐसे नीचे वाला ट्रेन पे ही बैठी हुई है। और हम लोग ऐसे रास्ते से जा रहे हैं ना, देखो ऐसे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं स्काई ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि इस रास्ते से जल्दी पहुँच जाते हैं ना, उस वजह से। तीनों आगे है, तीनों पीछे है, ऐसे सुकेस को लेके आ रहे हैं क्योंकि सुकेस टूट ना जाए ना, इस वजह से नीचे है ना ऐसे है, दुंगा दुंगा है। लो चली मैं हतिया पे, मैं चली देखो क्या ही गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली बहुत ज़्यादा खुशी होता है अगर मैं ऐसे घूमने के लिए जाऊँ ना बाहर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं गाना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ, मैं जंप। आराम से टिकट ले लिया है स्काई ट्रेन के। हेलो, फाइनली ट्रेन भी आ गया है, वही करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो सब लोग आ गए हैं ट्रेन पे। मम्मी कैसे लग रहा है आपको स्काई ट्रेन में बैठ के? कैसे लग रहा है स्काई ट्रेन में बैठ के? अच्छा लग रहा है। तुमको कैसे लग रही है? तुम पहली बार है? नहीं, मैं 10 बार गया। वॉकिंग स्ट्रेट जाना है मिल्का को। अभी हम लोग बस स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ पर टिकट लेंगे। फतिया लिखा हुआ है, यही है बस स्टेशन, यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा आप फतिया जाने के लिए। तो सुनिया मम्मी शिव वहाँ पर टिकट ले गई है। कितना है सा? कितना है मम्मी? 1,000 1% को इतना ही है। देखो गाइस कितना सस्ता है। बस नहीं गए थे ना जिन्हें हम लोग, छोटी बस भी है क्या? तो बस निकलने वाले हैं 8 बजे। अभी हम लोग के पास 15 मिनट टाइम है, तो हम लोग कुछ जाके खरीद के खाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। और हम लोग को बस पे 2 घंटे तक बैठना पड़ेगा, तो इंतज़ार नहीं होगा ना, उस वजह से खा रहे थे कुछ ना कुछ, वरना तो पेट में दर्द हो जाएंगे। सो चलो जाके कुछ खल के खाते हैं। तो मिल गए हैं 7-Eleven, जाते हैं अंदर देखते हैं खाने की चीज़। मैं तो खा रही मामा, इजी है। मम्मी क्या देख रही है? क्या खा रही हो आप? सैंडविच है वो, लुच्छिन है उसमें। मैं तो मामा खा रही हूँ। मामा किधर है? मामा
और ये रहा मामा, मामा मामा है यहाँ पर, ये रहा मामा। ये खा रही मतलब तुम क्या खा रही है? नहीं वो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव वाला मत खाओ। 22 बार का है ये फूड, तो इतना थोड़ा सा नहीं, 7 बार डिफरेंट है। सब लोगों ने मामा खाया है, सिर्फ मम्मी ने खाई है सैंडविच। ये रहा मेरी मामा, मामा 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 मामा। तो अभी हम लोग बस पे बैठ चुके हैं, मैं अकेले हूँ यहाँ पे बैठ, कोई भी साथ नहीं। मैं तो सो गई थी यार गाइस, अभी पहुँच चुकी है फटिया। पानी कहाँ पर रोक दिया है, बाहर जाके देख लिया, सब लोग बाहर जा रहे हैं। तो अब वापस से हम लोग ये गाड़ी से आए हैं और हम लोग अभी ठहरने वाले हैं ये वाले होटल पे। आई लव गाजीबो फतिया। गाजीबो है क्या होटल का नाम? गाजीबो है क्या होटल का नाम? क्या है गाजीबो होटल का नाम? गाजीबो है। हाँ देखो, तो ये है हमारा कैमरा, हमारा रूम एक दिन के लिए। यहाँ पर मम्मी, मैं और मिनुका रहने वाले है। इस कमरे पे टीवी भी है और यहाँ पर मिरर भी है। ये है बाथरूम, बाथरूम पे क्या दिया हुआ? ओ ब्रश भी नहीं दिया हुआ। सुनिए मम्मी, ब्रश भी नहीं है। पहले जा रहे हो आप? और यहाँ पर ऐसे भी है कुछ ऐसे, और यहाँ पे कपड़े वपड़े रखने के लिए भी जगह है। खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये रहा मेरे खाना भी आ गई है। और बाहर ऐसे में, अब अंदर ऐसे में 11 और बाहर बैठ के भी खा सकती है। बैंकॉक में तो बैठ के भी नहीं खा सकते, जल्दी से भागना पड़ता है ऐसे में 11 से, इतना सारा लोग होते हैं ना। फतिया में इतना सारा लोग तो नहीं है, आई थिंक ये जगह पे नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ मिनुका चाहती है जाना, उसका ड्रीम है वॉकिंग स्ट्रीट जाके देखना। जाना चाहती है, अब देखना चाहती है क्या है ना। तो इस गाड़ी में अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट, 1% को 20 बार। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वॉकिंग स्ट्रीट। हम ही पहली बार आई है ये वाली जगह और मिनुका भी पहली बार आई है। मम्मी को लगा वॉकिंग से मतलब सीसी में वॉक करना। अभी हम लोग लैला क्लब पे जा रहे हैं, पता नहीं अंदर जाके देख रहे हैं क्या होगा। अगर वो क्लब के अंदर रहना चाहते हैं तो बियर पीना पड़ेगा। हम लोग कोई बियर नहीं पीते हैं, इसलिए हम लोग आ गए बाहर। सोनिया खा रही है आइसक्रीम।
बज चुका है एक, अभी हम लोग बैठ रहे हैं बीच, बीच नहीं क्या बोलते हैं हम, बीच भी बोल सकते हैं, बीच के सामने वहाँ पर बीच है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वहाँ पर बहुत सारा पानी पानी है, वहाँ पर कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, कुछ लोग यहीं पे सो जाते हैं, जब सुबह होता है ना तभी वो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग होटल नहीं रहते हैं ऐसे ही जगह पर ही ऐसे कुछ बिछा के नीचे ऐसे सो जाते हैं, मम्मी लोग वहाँ पर है बैठे हुए, दिखाई दे रहा है आप लोग को। हम लोग पहुँच चुके हैं होटल पे, अभी सोएंगे, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग होने वाले हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह पे।